मेरा नाम जुहेब है और आप देख रहे हैं साइंस एंड रियलिटी फैक्ट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक से ही सवाल करता है कि सारी की सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है आप ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो आखिरी किताब है, लेकिन सारी किताबों में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही हैं, तो क्यों सारे मज़हब अच्छे नहीं हैं, इस्लाम ही क्यों अच्छा है? तो डॉक्टर जाकिर नाइक उसको बड़ा बस जवाब देते हैं। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक पहले भी बहुत सारे स्पीचेस में बहुत सारे कॉमन सवाल भी होते हैं उनमें अक्सर इन बातों का ऑलरेडी जवाब भी दे चुके हैं पहले, लेकिन इस दफ़ा फिर से उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं ये समझाते हुए कि उनकी अपनी खुद की किताबों में, उनके अगर वो हिंदू मतलब का है, हिंदू मतलब की किताब में या बाइबल में ऑलरेडी जो है वो इसी बातों का जिक्र है कि अल्लाह है, कि उसको माना चाहिए और उसका कोई माबूद नहीं, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आएंगे और इस्लाम का पैगाम देंगे या फिर जो है सही रास्ते की दावत देंगे, इस तरह की बातें जो है तमाम मजाहब में कहीं ना कहीं लिखी हुई है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक समझाने की कोशिश करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो मुस्लिम लोग हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो लोग बिलीव भी करते हैं आखिरत के ऊपर, लेकिन बाकी मजाहब के जो लोग हैं वो आखिरत पर बिलीव नहीं करते और ना इस बात पर बिलीव करते हैं अल्लाह एक है उसकी बात करना चाहिए, क्योंकि उनकी किताबों में जबकि ये खुद लिखा है लेकिन बातों पर वो अमल नहीं करते। साथ साथ वो ये भी पहले बता चुके हैं डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी किताबों में, और मुसलमान लोग वो जानते भी होंगे कि जितने भी किताबों में सब कुछ लिखा है इस्लाम में, लेकिन इस्लाम में जो कुरान है, कुरान में जो बातें लिखी हैं वो तब्दील नहीं हुई, लेकिन दूसरी किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोगों को मालूमात नहीं है अपनी खुद की किताबों की। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज, मैं जैन धर्म में जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा, अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है, और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूँ पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है, ये संप्रदाय है या क्या है या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहाँ मान रहे हैं वो अच्छी बात है या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। आप कैसा कहा? इस्लाम मेन है भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना, मैंने तो नहीं लिखा हूँ। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12-14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड वन टू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही शैल स्पीक। ये दे रहे है कि एक आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल कर रहे, कुछ लोग कबूल करने से डरते, फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं, आप लेके आओ बाइबल पढ़ो मेरी बात, ये कल की पुराना है क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यक्षा है वो फॉलो करो, जो यक्षा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाइत है, चाहे
जुडाइज्म में चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म भी अक्सा ने धो ही नहीं सकती, कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है। हिंदुइज्म और इस्लाम में अक्सानियत हो ही नहीं सकती, लेकिन जब खुदा फरमाते तालविला कलिमत सवा इम बहना बहनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो अक्सा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में अक्सानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तलाफ पे, लेकिन मेरा काम इख्तलाफ ने, मेरा काम अक्सानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ साथ रेफरेंसेस देते हुए ये बातें भी बताई जो कि ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं आपको डिस्कस कर चुका था। फिर उन्होंने ये भी हवाला दिया कि वो जो जितनी भी किताबें हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की और उनमें जो बातें अक्सा हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो उन्हीं के ऊपर ही बात करें। इसके अलावा अगर वो बात करना चाहें तो जो इख्तलाफात हैं किताबों के अंदर उन पर भी बहुत लंबी तकरीर कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तालिबे इल्म हूं तो मैं चाहता हूं कि जो सही बात है वो लोगों तक पहुँचाऊँ, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में इतने सालों के जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, जो उन्होंने मुताला किया है मुख्तलिफ किताबों का, इसके बावजूद भी जो है वो यही बातें कहते हैं कि कम अज़ कम जो यकसा चीज़ें उनको तो उन मज़ाहिब के लोगों को मानना चाहिए जो कि जैसा कि अल्लाह है कि उसी बात करना चाहिए और उसका कोई माबूद नहीं। इस तरह की बातें हर किताब में जो है लिखी हुई हैं जिन मज़ाहिब पे किताबें नाजिल हुई थी, लेकिन फिर भी इन बातों पे जो है अमल नहीं किया जाता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात भी इनको बताने की कोशिश करी कि अगर मैं चाहूँ तो इख्तलाफात भी इतने ज़्यादा हैं कि उनके ऊपर तकरीर करने लगूँ तो इससे ज़्यादा लंबा लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अक्सर बातें हैं कम अज़ कम उन पर बात करूँ, या फिर मैं तालिबे इल्म हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम अज़ कम जो बातें मुझे मालूम हैं या जो सही बातें हैं उनको फैलाऊँ, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना, और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेकर, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है जिसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता सिर्फ मुंह से बोलता है वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना, मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहां दिगर ममालिक में जाके बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा भाई, हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूँ मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात, मैं हक की बात क्यों किससे डरना? खुले मंच में कह रहा हूँ मुझे आजादी इस देश में, अगर किसी को आने का मुकाबला करने का तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूँ। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है, यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं, यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं बराबर, सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है? मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। वाकई ये मानना पड़ा कि उठ के अब्बज में जहाँ का
और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। दो पर माइक नंबर दो पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्दी पहनते हैं वही क्या देशभक्त होते हैं, मेरा कहना आप समझ रहे हैं। और मैं आपसे आपके हाथ से मैं कुरान को पाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा, क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए, ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहाँ पर है वो, अगर कोई गया है या किसने बोला है, मेरा माथा काम नहीं करता है, कहाँ है, किधर है। भाई साहब का तीन सवाल है। पहला सवाल है, भाई साहब ने कहा है कि वर्दी पहनने से क्या वो देशभक्त बन जाता है, ये आपका सवाल था। मैं वर्दी पहनने से देशभक्त नहीं बनता है, बहुत से लोग वर्दी पहन के अपने देश से गद्दारी भी करते हैं। तो वर्दी पहनने वाला देशभक्त जरूरी नहीं है, जो अपने देश की रक्षा करता है और देश के लिए काम करता है वो सही इंसान है। वर्दी जरूरी नहीं, वर्दी है या नहीं है वो कुछ एम क्राइटेरिया नहीं। दूसरा सवाल, आप चाहते कुरान मजीद मुझसे आ सकते हैं। तीसरा कि मैं कभी सोचता हूँ कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना। भाई साहब आपने कभी किसी को 10 मारने से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा तो 10 मारने से खुद ही मारेंगे, मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है? आपने किसी को मरते हुए देखा 10 मारने से खुद ही मारते हुए? नहीं सर, सुना सिर्फ ना, सुना यकीन क्या ना अपनी बुद्धि पे। तो ये चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर को देखूंगा तो ही मानूंगा कि आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए, अमेरिका ही क्या नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब, आप 10 मारे से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 मारे से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा, ये जरूरी नहीं देखना। बड़ा जबरदस्त डॉक्टर जाकिर नाइक से इस बंदे ने सवाल किया, उसका सवाल ये था इंसानियत के बारे में और उसका सवाल साथ साथ ये भी था कि हर शख्स वर्दी पहनने वाला अगर मिसाल के तौर पर जो देश की हिफाजत करने के लिए खड़ा है तो क्या वो सही आदमी है कि नहीं। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि इंसानियत जो है वो किस तरह से उसको आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं सही इंसानियत को, या कौन सा मतलब सही इंसानियत का दर्ज देता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छी एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करी कि एक अगर फौजी है या फिर कोई सिक्योरिटी का कोई बंदा है, अगर ज़रूरी नहीं है कि वो वर्दी पहन रहा तो उसका मतलब वो सही काम करें। मिसाल के तौर पर उन्होंने इसके साथ साथ एग्जाम्पल और दी जिस तरह से अल्लाह के मानने के ऊपर है, तो उन्होंने एग्जाम्पल साथ साथ ये दी कि अगर आप 10 मंजिला से जो है वो छलांग लगा लेंगे या आपने सिर्फ सुना ही है किसी को देखा नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसने मना किया कि नहीं छलांग नहीं लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो साथ साथ जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको बताया कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए उसको देखने की ज़रूरत है। अगर कोई सही चीज़ें हैं या फिर आज का टेक्नोलॉजी का दौर है आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं उस पर, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ना खुद उसको जाकर देखना भी है। इस तरह से जो है मजाहब के ऊपर जो है वो रेफरेंस दे के बताना चाह रहे थे कि इस्लाम में भी मुसलमान जो है अल्लाह को उसने देखा नहीं है लेकिन फिर भी उसकी बातों पर और उनके जो पैगंबर है इस्लाम के पैगाम लेके उन पर अमल करते हैं और अल्लाह को मानते हैं, तो दूसरी किताबों में भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन जो है ज़रूरी नहीं हर चीज़ को देखा जाए, कुछ चीज़ों को जो है यकीन करके भी जो है चलना पड़ता है। तो इंसानियत जो है इस्लाम इंसानियत का दर्ज देती है और इस्लाम जो है बेसिकली एक अमन का गवारा है, इस्लाम का मतलब ही अमन है। तो कंक्लूजन ये है कि वो ये बताना चाह रहे थे कि बेसिकली कि इस्लाम ही जो है जो असल में इंसानियत का हुक्म देती है, बाकी मज़ाहिब से ज़्यादा अच्छा जो है समझाने की कोशिश करती है हर बात को। इस्लाम के अंदर जो है बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं इंसान को लेके, इंसानियत को लेके किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते, 20% एम्बिग्यूस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर।
साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते भाई साहब। सर, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है। स्वामी विवेकानंद ना के खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे, स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर, हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या? नहीं, इंसान गलती कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है सर, कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती क्या, तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करे तो उसकी बात मत मानो। जो बात वो वेद के मुताबिक करते वो बात मानो। आप समझ रहे? मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना। स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है, मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा दो स्टैंडर्ड है, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, वन स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला, खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते। मैं यहां आया हूं लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, अगर वहां पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद है, माइक नंबर 3 से। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा सवाल कुरान के दूसरे नंबर सूरा सूरा बकरा में कहा गया है, यही वही किताब है जिसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रश्न है, यही किताब जो कौन कौन गलत नहीं है? भाई साहब ने कहा कि कुरान मजीद में सूरा बकरा सूरा 2 में लिखा है, वो क्या कहना चाहते हैं मैं दोहराता हूँ। वो सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1-2 का हवाला दे रहे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये किताब वो है जो हिदायत बिना डाउट बिना शक है वो लोगों के लिए जो तकवे वाले हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि ये किताब वही किताब है जिसके अंदर बिना शक हिदायत है तकवे वाले लोगों के लिए। मीन जो अल्लाह से डरते हैं, जो तकवा रखते हैं, ये किताब बेशक उनके लिए हिदायत की किताब है। ये मानिए सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1-2। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम विवेकानंद दास है, मैं बीकॉम का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर कि मैं एक हिंदू का लड़का हूँ, अगर मैं मुसलमान की लड़की से शादी करूं तो क्या वो स्वर्ग की हकदार हो सकती है या मैं जन्नत का हकदार हो सकता हूं? भाई साहब ने वही सवाल पूछा जो एक बहन ने पूछी थी, क्या आप हिंदू है और एक मुसलमान से शादी करते हैं, क्या वो स्वर्ग का हकदार हो सकती है, क्या मैं हो सकता हूं? मैंने कहा गाड़ी चलने के लिए चारों पहिए यकसा होना चाहिए। कुरान के हिसाब से अगर कोई गैर मुस्लिम से शादी करते वो किसी को इजाज़त नहीं, ना मुस्लिम मर्द को इजाज़त है कि मुश्रिक लड़की से शादी करे, ना मुस्लिम औरत को इजाज़त है मुश्रिक मर्द से शादी करे। ये अलाउड नहीं है और ये गलत है और ये हराम है। लेकिन सर ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है एक बार। तो गलत है वो, तो उसके अंदर से वो सही रास्ते पे यकसानियत देखो क्या है, उसके करीब आ जाओ। जो हिंदू और इस्लाम में यकसानियत क्या है, खुदा एक है, मूर्ति पूजा नहीं है, और ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यकसानियत के ऊपर आओ तो इंशाल्लाह दोनों स्वर्ग में जाएंगे। थैंक यू सर। ये आखिरी राउंड चल रहा है, अब हम बहुत ही जल्दी में चलते हैं माइक नंबर 3 पर, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। सर, मेरा नाम सुरेश है, पूर्णिया जिला का चिमनीवार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है सर, अगर मम्मी पापा अपने जमीन जायदाद से हमें बेदखल करते हैं तो हमें उन पर कोई दबाव डालना चाहिए कि नहीं, उस पर मेरा भी हक बनता है या और कुछ? फिर भाई साहब आपका सवाल है कि अगर आपके मम्मी पापा आपको जायदाद से बेदखल करते हैं तो वो सही है क्या? सही है, और उस पे हम उनके ऊपर कोई दबाव डाल सकते हैं? बेदखल क्यों करें, कुछ आपने गलती की? गलती नहीं सर, ऐसा भी होता है, गलती भी होते हैं और भी और नहीं भी होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों, क्यों आपके वालिद वालदा आपको अपने जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैंने मतलब कोई गलती की हो या मतलब क्या गलती जानना चाहिए ना,
कुछ गलती की सजा है, कुछ गलती की सजा नहीं है। जब तक आप गलती नहीं बोले, अच्छा मुझे गलती के लिए किसने सजा मौत दी, अरे क्या गलती की है? आप गलती ना बोले तो बोलूं कैसा मैं सही या गलत? तो हर गलती की अलग सजा होती है। जब तक आप गलती मुझसे नहीं बोलेंगे मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। सर मम्मी पापा का कोई बात बोले और मैं उनसे इनकार कर दिया हूँ। आमतौर पर अम्मी तथा की छोटी मोटी बात नहीं माने तो वो आपको अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करना चाहिए। अगला सवाल माइक नंबर एक से, अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं, माइक नंबर एक से। आई एम विजय भूत्रा एंड आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग रेजिन्स विच इज वेरी सिमिलर टू योर्स। वी मेक केमिकल्स विच बॉन्ड्स सर्टेन प्लाईवुड, सो मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ जो आप बाई वे ऑफ योर स्पिरिचुअल। आई हैड बीन टू एयरपोर्ट, वी रिसीव्ड यू। I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about three things you have told: Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. आयत मैंने वहाँ की कुछ श्लोक आपने पढ़ी। Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran, not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran he, you have added the word yesterday, he is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you will have to give me some time because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days Kalki Puran, which you have told ki Pagambar is the last avatar, there will not be any avatar. For that also you have given illustration from Vedas. Now let me tell you sir, नहीं ऐसा है सर, मैं कर जाता हूँ सर। 10 बज चुके हैं फिर भी मैंने मौका दिया, अगर आप ज्यादा 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 करेंगे हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं? टाइम खत्म, इतना लंबा वक्त आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया, 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते, मैं जवाब देने को तैयार हूँ, अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूँ। कोई बात नहीं, माय लेट माय क्वेश्चन बी इनकम्प्लीट एंड लेट द आंसर बी नॉट देयर। व्हाई यू कमिंग सो लेट? आई एम सॉरी फॉर दिस, माय टर्न डिड नॉट कम। कंप्लीट योर क्वेश्चन, कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चन। नहीं नहीं, इफ यू परमिट, इफ यू द एवरीथिंग बट इज सेइंग, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम डॉक्टर साहब की खिदमत में ये शेर पढ़कर इस मजलिस के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे कारवां के लिए। लेकिन इस मजलिस कल, कल इंशाल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको कल। फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, यस फर्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू, आई वांट टू रिप्लाई टू यू इन पब्लिक। थैंक यू, आई इन पब्लिक नॉट प्राइवेटली। आई एम आल्सो गोइंग टू पुट योर क्वेश्चंस इन पब्लिक सर। I also put my question, entire question, tomorrow in public. Thank you. आप लोग शांति का माहौल बना रखें। अगर आप लोग डॉक्टर जाकिर नायक साहब से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब होता है उनका एहतराम करना और उनको तकलीफ़ ना पहुंचाना। कोई ऐसी हरकत ना करें आप लोग जज्बात में आकर के, मोहब्बत में आकर के, कि जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को तकलीफ़ पहुंचे। आखिर में हम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज के चेयरमैन जनाब मुतीउर रहमान साहब से गुजारिश करते हैं कि आएँ और आखिरी कलिमात शुक्राने के साथ पेश करें और इस मजलिस के अख्तिताम का ऐलान करें। जनाब मौलाना मुतीउर रहमान मदनी साहब, चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट किशनगंज, ऑर्गेनाइजर रोहेरवा किशनगंज पीस कन्वेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد آپ اگر شکر گزار ہیں تو اللہ آپ کو اور مزید نوازیں گے خواتین و حضرات آج کا دن کشن گنج کے لیے ایک دوسرا تاریخی دن ثابت ہوا کشن گنج پیس کنونشن کا دوسرا یہ دن تھا بہت پر امن اور شانتی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں پھر ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ضلع کے پرشاسن کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر موڑ پر ہر طرح کی تعاون فرمائیں اور میں آپ سامعین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شانتی اور پیس کے ساتھ آج کا یہ پروگرام سنیں میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا انتظار کروں گا لیکن گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ پر امن اور شانتی کے ساتھ آپ آئیں اس پروگرام میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس شخص نے سوال کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے سورہ بقرہ کے بارے میں پہلی اور دوسری سورہ کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اسٹارٹنگ میں کہ اللہ ایک ہے اور اسلام جو مذہب ہے ٹھیک ہے اس پہ وہی عمل کرے گا یا وہی اس سے ہدایت پائے گا جو کہ تقویٰ رکھتا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک بیسکلی یہ اس کو کنکلوژن بتانا چاہ رہے تھے مثال کے طور پہ کہ اور جتنی بھی کتابیں اسلام سے پہلے آئی ہیں مختلف پیغمبر کے اوپر وہ ان کے وقت کے حساب سے ان کو اتاری گئی تھی پھر جیسے جیسے جو ہے پیغمبر آتے گئے پھر آخر میں اسلام آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے سارے کے سارے مذہب جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گئے تھے اور سارے کے سارے مذہب جو ہے وہ اس کے ان کا جو خلاصہ تھا وہ اسلام میں اتار دیا گیا تھا کہ یہ چیز کو ماننا اور یہ چیز کو نہیں ماننا تو امید آج کا ٹاپک کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا کافی معلومات ملے گا آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت خیال رکھیے گا